आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है, पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी, और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आम तौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं, ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं।